हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कागज। माय नेम इज ऋषभ एंड टुडे वी हैव द IMT वर्जन ऑफ द Hyundai i20 नई आई है और IMT को लेके बहुत लोगों के सवाल हैं। देखो, वैसे तो हमने IMT पूरा एक्सप्लेन कर दिया क्या होती है, कैसे काम करती है, बट अब इस i20 के साथ हमें काफ़ी समय मिला है स्पेंड करने को। एंड मैंने IMT काफ़ी दिनों से चला रहा हूँ, घर पे यूज़ कर रहा हूँ, उसको लेके चल रहा हूँ अपने ऑफिस वगैरह। तो IMT के बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो टुडे इस वीडियो इज़ अबाउट डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन स्पेशली विद द Hyundai i20। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देख लें, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की जहाँ पर बात आती है, सबसे पहला एडवांटेज जो मेरे को आता है वो ये है कि आप ऑफकोर्स आपको क्लच यूज़ नहीं करना पड़ता है, है ही नहीं जब तो मतलब क्या करना, पैडल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक क्लच होता है, एक्चुएटर होता है जो आपके लिए अपने आप क्लच इंगेज करता है। मैं पहले भी वीडियोज़ में कहा है मैंने कई बार कि ऐसा है कि जैसे कोई छोटा पर्सन, छोटा बच्चा, कोई छोटा रोबोट, कोई कुछ वहाँ पर बैठा है जो आपके लिए क्लच इंगेज कर रहा है। तो दिस इज़ लाइक दैट ओनली। तो सबसे अच्छी एडवांटेज तो ये है कि जितने मर्जी आप ट्रैफिक पे हो, कुछ है, तो आपको बार बार वो क्लच दबाना नहीं पड़ता। और क्लच जो पैडल होता है वो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है एज़ कम्पेयर टू द रेस एंड द ब्रेक, तो आपका जोर सबसे ज़्यादा वहाँ पर लगता है। तो उससे फिर आपका यू नो नीज में प्रॉब्लम आ सकती है, जो थोड़े एज्ड है जिनको नीज की थोड़ी प्रॉब्लम है वो बहुत अवॉइड ही करते हैं कि मैनुअल लें ही ना, ऑटोमेटिक ही लेते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि क्लच उनको यूज़ ना करना पड़े। विद द IMT आपको एक मैनुअल की कॉस्ट पे आपको एक ऑटोमेटिक की ईज मिल जाती है। और ऑटोमेटिक कार्स जो होती है ना, उनका एक छोटा सा नुकसान ये होता है कि अगर आपको उनमें पावर चाहिए तो आपको उनको स्पोर्ट्स मोड में कन्वर्ट करना पड़ता है, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली गियर चेंज करती रहती है इकोनॉमी के हिसाब से। वो चाहते हैं जो ट्रांसमिशन या ट्यूनिंग हुई होती है वो हुई होती है कि आपको माइलेज अच्छी मिले। IMT में क्या है कि क्या आपको क्योंकि मैनुअल ट्रांसमिशन मिल रही है यहाँ पर, तो जब आपको पावर चाहिए, जितनी पावर चाहिए वो आपके हाथों में है कि आपने गियर शिफ्ट कहाँ करने हैं। राइट नाउ दिस इज़ थर्ड, मेरी मर्जी है मैं चौथा रखना चाहूँ, पांचवा रखना चाहूँ, चाहे इसी स्पीड पे मैं छठा भी रखना चाहूँ या पहला गियर रखना चाहूँ, तो मेरे को उस अकॉर्डिंगली पावर और माइलेज का कॉम्बिनेशन बनेगा, बट वो मेरे को खुद बनाना पड़ेगा। और यही इसका बेनिफिट भी है कि मैं खुद बना रहा हूँ। तो इस चीज़ को आप ज़रूर समझें कि IMT के कुछ बेनिफिट्स हैं। और बेनिफिट आ जाते हैं कि इसकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा नहीं है मैनुअल ट्रांसमिशन के हिसाब से, और अभी सिर्फ टर्बो वेरिएंट्स में इसको लाया गया है, वेन्यू, सोनेट एंड दी i20। तो इसका पॉजिटिव यही है कि मैनुअल ट्रांसमिशन और टर्बो चार्ज वाले प्राइस आपको एक बढ़िया मिल जाती है और ऑटोमेटिक की ईज मिल जाती है, क्योंकि ऑटोमेटिक इससे ऊपर जाओगे जो DCT वेरियंट्स आते हैं वो 1-1 लाख ज़्यादा महंगे हैं। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि ये सिर्फ अभी टर्बो वेरियंट्स के साथ दिया जाता है, टर्बो चार्ज के साथ, तो उसकी वजह से इसकी और डीजल प्रॉपर मैनुअल क्लच वाले मैनुअल की जो कॉस्ट है वो सेम हो जाती है। तो वो एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज लगता है कि बंदा कहता है कि यार ऑटोमेटिक वाला ईज क्या करना, गियर तो खुद ही बदलने हैं, तो बंदा डीजल ले ले। हाँ, डीजल भी ले सकते हो अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है। इफ़ योर रनिंग इज़ इन सिटी एंड आपको नीज में प्रॉब्लम रहती है या आपने अभी तक ऑटोमेटिक चलाई है या इस तरीके का कुछ प्रॉब्लम है कि क्लच के बिना वाली ही लेनी है, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द IMT। और रनिंग कम भी है लेकिन सिटी में ट्रैफिक ज़्यादा है तो IMT इज़ अ गुड चॉइस फॉर यू। i20 में तो माइलेज भी आपको अच्छी मिल जाती है क्योंकि बीइंग अ हैचबैक, बीइंग अ लाइटर व्हीकल एज कम्पेयर टू सोनेट वेन्यू, तो एक अच्छी माइलेज आपको मिल जाती है। नाउ अनदर बेनिफिट इज़ कि ये इसकी जो मेंटेनेंस है, बहुत लोगों को लगता है कि ऑटोमेटिक जितनी मेंटेनेंस है, ऐसा नहीं है, इसकी मेंटेनेंस मैनुअल जितनी मेंटेनेंस है। एंड जर्कीनेस फील नहीं होती है, माइलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बिकॉज क्लच बहुत ही स्मूथ तरीके से इंगेज होता है। जब हम उसको मैनुअली अपने पैरों से इंगेज करते हैं तो फिर भी ऊपर नीचे हो जाता है, कई बार ज़्यादा दबाया गया, कई बार कम दबाया गया, तो आप कोई झटका दे सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। अब लेकिन सारे बेनिफिट्स तो नहीं है, डिसएडवांटेजेस भी शेयर करने हैं। जैसा कि मैंने बताया कि झटके नहीं हैं, वो तब नहीं है अगर RPM लोअर साइड पर है। अगर आप इसको हार्शली थोड़ा चलाते हो, यानी कि 3000-4000 RPM से ऊपर, तब इसमें जो ये गियर लीवर है ना, इसकी स्मूथनेस कम हो जाती है, इसको थोड़े क्लच इंगेज होने में थोड़ा टाइम भी लगता है, तो वो हार्ड लगता है थोड़ा सा, वो इतना स्मूथ आपको लगेगा नहीं, वो ऐसे लगता है कि आपका आपको जो गियर लीवर है उसको ठीक करवाने की ज़रूरत है। जब हमें लगता है कि जब हम गाड़ियों में 50-60,000 किलोमीटर चला लेते हैं तो लगता है कि यार थोड़ा जो हमारा जो गियर लीवर है वो थोड़ा हार्ड हो गया, तो हम उसको रिपेयर करवाते हैं, ग्रीजिंग करवाते हैं, मतलब बहुत सारे प्रोसेस होते हैं अलग अलग उसके अकॉर्डिंगली। तो उस तरह तरीके का फील होता है जब आप 4000 RPM क्रॉस कर जाते हो, तो जितना क्रॉस करते रहोगे उतना ही हार्ड होता रहेगा। लोअर RPM पे 2500-3000 तक भी ठीक रहता है, बहुत स्मूथ रहता है, और आपको पता भी नहीं लगता कि कितनी जल्दी इसने इंगेज और डिसंगेज किया ऑटोमेटिकली। लेकिन जब आपके RPM होते हैं ज़्यादा, तो वो प्रोसेस जो है गियर चेंज होने का वो भी बढ़ जाता है। ये मैंने आपको पहले नहीं बताया था बिकॉज पहले मुझे इतना फील नहीं हुआ था, बट राइट नाउ i20 के साथ मुझे काफ़ी समय हो गया इसको ड्राइव करते हुए,
तो मुझे पता है कि ये चीज़ें आई हैं। जब मैंने इसको सिटी ट्रैफिक और हाईवे पे भी थोड़ा अग्रेसिवली चलाया तो तब मुझे ये फील हुआ कि जो गियर शिफ्ट करने उसमें टाइम लगता है। IMT के साथ ना मैं एक सजेशन देना चाहूँगा टू दी कंपनीज, पैडल शिफ्टर्स दे दो यार, IMT ही देना ना, गियर शिफ्ट हाथों पे दे दो, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस हो जाएगा लोगों का, बहुत बढ़िया। इनफैक्ट मेरा भी, आई लव पैडल शिफ्टर्स एंड आई एम श्योर अगर कंपनीज ऐसा करें कि IMT के साथ पैडल शिफ्टर दे दें तो वो ऑटोमेटिक का ज़्यादा अच्छा एक ऑल्टरनेटिव रहेगा, और मैनुअल का भी बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव रहेगा कि कॉस्ट ज़्यादा नहीं है लेकिन आपको कन्वीनियंस काफ़ी मिल जाती है। और इसी बहाने ना ड्राइवर्स के दोनों हाथ यहाँ पर रहेंगे, अभी क्या एक हाथ नीचे रखना पड़ता है वो सेफ कम है, दोनों हाथ स्टेयरिंग व्हील पे रहेंगे तो वो थोड़ा सेफर रहता है और यहाँ से आप अपने गियर चेंज कर पाओगे। दैट वुड बी रियली रियली नाइस। IMT के ऊपर ना आपके और भी बहुत सारे सवाल होंगे, ये तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस थे, लेकिन आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो IMT के ऊपर हमने हिल होल्ड के ऊपर, फर्स्ट गियर कैसे, सेकंड गियर कैसे, इंजन स्टॉल तो नहीं होता, इस तरह के हमने बहुत सारी चीज़ें वेन्यू IMT और सोनेट IMT के साथ किए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे एंड अब इवन आप सर्च कर सकते हो वेन्यू IMT ऋषभ सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। उसमें बहुत 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 डिटेल में मैंने IMT पूरा एक्सप्लेन किया है तो आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा। हाँ, सो सारी वीडियो आपने देख ली है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दिस वॉज द डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ द इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, नई नई टेक्नोलॉजी। अब देखना ये है कि ऑडियंस या कस्टमर्स इसको किस तरीके से अडेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। नाउ लेट्स सी फ्यूचर क्या कहता है। आई थिंक IMT इज़ अ गुड टेक्नोलॉजी। बाकी आपके साथ हमने चीज़ें शेयर कर ही ली हैं, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ तक देख लिए तो लाइक कमेंट जरूर कर दें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज हम इसी तरह का यूनिक एंड एक्सक्लूसिव कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।